अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमज़ा किचन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका शेफ़ हमज़ा शौकत। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज हम ऐसा पराठा बनाएंगे जिसमें ना तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही रोटी बेलने की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने गाइस। आज हम बनाएंगे लिक्विड डो से एग पराठा, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एग पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अंडा यूज़ करेंगे। आधा चम्मच नमक और इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे, बीट कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से बीट कर लेंगे इस तरह से, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अब इसमें जाएगा एक कप मैदा। मैदा हमेशा छान के यूज़ कीजिएगा करें, और फिर हम इसे अच्छे से विक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनता है, स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जो कि आटा गूंदने और रोटी बेलने से जिन्हें प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे स्पेशल रेसिपी है। तो इस तरह से अब हम दूध स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ऐड करते रहेंगे और इसे अच्छे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। दूध जो है हमें हल्का हल्का शामिल करना है, क्योंकि हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए ना, तो एकदम से डाल देंगे तो पतला भी हो सकता है। इस तरह से अच्छे से बीट करते रहेंगे और कोशिश ये करनी है कि इसकी ना कोई गुठली ना बने, कोई क्लॉट ना रह जाए। अच्छे से इसे बीट करते रहेंगे इस तरह से। तो ये देखें गाइस, ये देखें अच्छे से, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब हम मज़ीद दूध नहीं शामिल करेंगे इसमें, और अब जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल। ठीक है गाइस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से बीट कर लेंगे। गाइस, बहुत ही मज़ेदार और शानदार पराठा बनेगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यह आपका प्यार होता है और हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और अच्छी अच्छी रेसिपी हम आपकी खिदमत में लेकर आते रहते हैं। तो जी ये देखें, ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, ठीक है। आपने भी इससे ज़्यादा पतला नहीं करना, जो अपना बेटर है। तो जी पैन ले लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे और इसे स्पैचुले की मदद से ये देखें फैला लिए, ताकि डो जो है हमारी अच्छे से फैल जाए। और जी अब हम एक डीप स्पून से ये देखें इस तरह से फैला लेंगे, इस तरह से फैलाते जाएं। अगर आपके पास चम्मच कुछ ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको एक ही चम्मच स्पून लेने की ज़रूरत है, बार बार नहीं डालना पड़ेगा। मेरा ज़रा छोटा था इसलिए मुझे ना थोड़ा बार बार डालना पड़ा। तो जी ये देखें इस तरह से आपने मज़ीद डालते रहना है, और ये देखें आपकी जो है एक पूरा पराठे का साइज़ आ जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे पकाना है अच्छे से। तो गाइस ये देखें ज़रा, अब ये इस तरह से लगने लग गया जिस तरह से पक गया हुआ है नीचे से, हल्का हल्का साइड चेंज कर करके इसे पका लेंगे अच्छे से। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अंडे का बनता है तो इसमें से अंडे की शान आती होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, मैंने खुद ट्राई किया है। अगर आप इसे अच्छे से पका लेंगे, अच्छे से कुक कर लेंगे और थिकनेस ज़्यादा मोटी नहीं होगी इसके लिए, तो बिल्कुल भी शान नहीं आएगी। बेफिक्र हो जाए और ट्राई करें एक दफ़ा। तो गाइस 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से। साइड चेंज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि लिक्विड डो से बना है, लेकिन 2 चम्मच यानी कि एक स्पैचुला और फॉक की मदद से इजीली साइड चेंज हो जाती है। और फिर हम इसे दूसरी साइड से 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, अच्छे से पका लेंगे मीडियम आंच पे। ठीक है जी, ये देखें जी अब फिर से हम साइड चेंज कर रहे हैं। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार ये देखें लुक से लग रहा है, और खाने में भी बहुत ही शानदार और मज़ेदार है। तो इसी तरह से आपने भी बना लेने हैं। ये जितना हमने बैटर बनाया था इससे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े 2 पराठे इजीली बन जाते हैं।
क्वांटिटी ज़्यादा करते रहें और पराठे एक से ज़्यादा भी बन जाएंगे, 2 से ज़्यादा भी बन जाएंगे। ये देखें एक और पराठा हमने इसी तरह से शानदार सा बना लिया हुआ है। ये देखिए अभी से निकाल लेंगे प्लेट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए गाइस, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, इतना सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार फुल कुक, बहुत ही मज़ेदार पराठा जो है हमारा रेडी हो गया हुआ है। बहुत आसान रेसिपी है, स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जिन्हें आटा गूंदने और रोटी पहनने से प्रॉब्लम है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़।